खाटू श्याम जी की कृपा प्राप्त करने के शक्तिशाली उपाय। खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण का कलयुग अवतार माना जाता है। खाटू श्याम से जुड़े पौराणिक कथा है। खाटू श्याम का राजस्थान के सीकर जिले में भव्य मंदिर है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते जाते रहते हैं। खाटू श्याम पर लोगों को काफी विश्वास है, क्योंकि खाटू श्याम सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। भक्तों के मन में खाटू श्याम के लिए बहुत ही ज्यादा परम श्रद्धा है। सभी भक्त अपने दुख लेकर खाटू श्याम बाबा के पास जाते हैं और खाटू श्याम बाबा उनसे प्रसन्न होकर उनके सभी दुख दूर कर देते हैं। खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, इसके नाम से पुकारा जाता है। अगर आप खाटू श्याम की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको बताए गए उपाय करने होंगे, जिससे आप खाटू श्याम के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप 24 एकादशी व्रत रखें, यह आपको शुभ फल प्राप्त कराता है। दूसरा, अगर आप खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने जाते हैं, तो उनके लिए गाय का दूध, खीर, चूरमा, बेसन की चक्की, मावे के पेड़े, पंचमेवा आदि का भोग लगाएं, इससे खाटू श्याम बाबा जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। तीसरा, श्री कृष्ण को खाटू श्याम ने खुद अपना शीश दान कर दिया था, तो आप भी दानवीर बने। रक्तदान, क्षमादान, श्रमदान, अंगदान, कन्यादान आदि प्रकार के दान आप खाटू श्याम को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो आप ये दान कर सकते हैं। ये सभी दान हम समाज के लिए करते हैं, तो खाटू श्याम जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप खाटू श्याम जाते हैं और आपको बाबा जी के मंदिर के दर्शन हो जाते हैं, तो इससे बड़ा क्या ही होगा, क्योंकि खाटू श्याम के भव्य मंदिर में दर्शन करने के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। ऐसा माना जाता है खाटू श्याम बाबा मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं, इसीलिए अगर खाटू श्याम जाकर आपको उनके आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं, आपके सभी दुख दूर हो जाते हैं।